मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को सप्रे संग्रहालय में भारतीय भाषा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी में कोई भी विचारवान लेखक होगा, उन सभी की पुस्तकें रखी जाएंगी। हम वहां पुस्तकें ना रखें तो क्या करें, पुस्तक रखनी ही पड़ेगी। अब चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हो या किसी और की, आपकी इच्छा हो तो पढ़ें, नहीं हो तो ना पढ़ें। पासपोर्ट विभाग से जुड़ी एक चूक से इंदौर के कारोबारी और एमपी गौरव अवार्ड विजेता दिलीप सोनी की 200 करोड़ रुपए की डेटा सर्विस कंपनी बर्बाद हो गई। माँ चल बसी, खुद हार्ट अटैक से जैसे तैसे बचे। पासपोर्ट ब्लॉक करने से अमेरिका नहीं जा पाए, बच्चे एक साल तक स्कूल नहीं जा पाए। उन्होंने विभाग से 20 करोड़ का हर्जाना मांगा है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। सिवनी के गोपालगंज में तिराहे पर गुरुवार रात एलपीजी गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कंटेनर चालक की मौत हो गई। घटना के करीब 15 घंटे बाद शुक्रवार की दोपहर किसी तरह गैस से भरे कंटेनर को सड़क के किनारे लाया गया। सड़क पर पलटा टैंकर ज्वलनशील एलपीजी गैस से भरा था। बड़ा हादसा न हो इसे लेकर लखनवाड़ा पुलिस मौके पर मौजूद रही। इंदौर विकास प्राधिकरण की शहर में चल रही परियोजनाओं की गुरुवार को संभागीय आयुक्त सह आईडीए अध्यक्ष दीपक सिंह ने समीक्षा की। बैठक में आवासीय सह व्यावसायिक भवनों के साथ खजूरी बाजार स्थित 450 साल पुराने तुलसीदास राम मंदिर के जीर्णोद्धार पर 2.5 करोड़ खर्च करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में इस साल मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई। बारिश का क्रम आगे भी बरकरार रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। झमाझम बारिश की वजह से प्रदेश के लगभग सभी बांध लबालब हो गए हैं। बांध महज 1 से 3 मीटर तक ही खाली हैं। मध्य प्रदेश में गुरुवार को एक विमान यात्री की मौत हो गई। वाराणसी से मुंबई जा रही अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट की आज अचानक भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई, जिससे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। यात्री को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। टोल टैक्स में छूट के लिए प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और कांग्रेसियों को पुलिस सख्ती का सामना करना पड़ा है। इन्हें हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिसकर्मी द्वारा आंदोलन कर रहे लोगों को कॉलर पकड़कर हटाया तो वहीं कुछ लोगों पर लाठियां भी चलाई गईं। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि यह टोल प्लाजा जो बना है, यह मिलानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यह अवैध है। करीब 3 दशक की परंपरा पैगाम मोहब्बत रैली को इस साल भी जन का बेहतर रिस्पांस मिला। हालांकि इस रैली के जनक और सूत्रधार रहे पूर्व मंत्री आरिफ अकील की गैर मौजूदगी से दायरा कुछ कम कर दिया गया, लेकिन इस सालाना आयोजन में शामिल हुए लोगों का उत्साह बरकरार दिखा। विधायक आतिफ अकील ने कहा कि उनके पिता मरहूम आरिफ अकील ने शहर से रिश्तों की जो परंपरा शुरू की है, वह निरंतर चलेगी।